हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आप सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अर्चना मार्को व्लॉग में। और अभी सुबह के 7:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग खाना वगैरह सब लेकर जा रहे हैं खेत अपने भाई के साथ। खाना वगैरह सब रख लिए हैं। पापा ऑलरेडी 5:30 बजे से चले गए हैं खेत। बहुत शीत था उस टाइम पे और हमारे यहाँ सुबह से खाना बन जाता है। और अभी देखिए कि 7:30 बजे किस तरीके से अभी गांव में माहौल है। पूरा शीत छाया हुआ है, अच्छे से कोहरा भी नहीं गया है ये देखिए। और सुबह सुबह जाकर कटाई करो सोयाबीन, तो बहुत ज़्यादा शीत रहता है, कटाई करते करते भीग जाते हैं। तो हम लोग थोड़ी लेट से जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं, आप सबको दिखाएंगे हम अपना खेत। और हम टिकरा देवरी से होते हुए बरसेल पंचायत से आगे की ओर जाते हैं, मतलब यहाँ टोला साइड, क्योंकि हमारा खेत इधर है। अरे इतना तेज है पिछला था, तो क्या है कि अभी जिधर साइड का खेत हमें जाना है उधर साइड गाड़ी चली जाती है। कल से दूसरी साइड के खेत जाएंगे हम लोग, क्योंकि उधर साइड धान है, धान कटाई, और जिधर साइड हम लोग जा रहे हैं उधर सोयाबीन कटाई हो रहा है हम लोगों का। और देखिए सब इधर देखिए, पूरा धान हो गया है, लगभग कटाई होना पूरा स्टार्ट अभी नहीं हुआ है, पर धान हो गया है। हमारे गांव का परसेल पंचायत का बड़ा तालाब है और हमें साइड जाना है, तो एक वजह से हमारा खेत भी नहीं दिख रहा है, नहीं तो यहाँ से दिख जाता है। और इधर से कच्ची रोड जाती है परसेल साइड से एक, जो हमारे खेत के लिए सीधा निकाल देती है, जो मददियान टोला गरबासपुर और मंडलिया के लिए जाती है, फिर उधर करंजिया लाइन में मिल जाता है। तो हम लोग अब खेत पहुंच चुके हैं और मेरा भाई जो है वो कपड़ों को लेकर आगे आगे जा रहा है काहिर। और ये पूरा सोयाबीन का खेत है, लेकिन ये लोग ये वाला नानी लोगों का है, हमारा उधर साइड है। पापा उधर साइड खड़े हैं, देख रहे हैं हम लोगों को। सोयाबीन पूरा कटाई हो चुका है, यहाँ पे खरी भी रखा गया है सोयाबीन का। एक नदी है जहाँ पे हम लोग कपड़े वगैरह धुलेंगे, नहाएंगे कटाई उटाई करने के बाद, थोड़ी धूप हो जाए इसके बाद। और पापा मेरे वो कटाई कर रहे हैं सोयाबीन, ये हैं। और ये मेरा भाई जिसके साथ अभी आए हैं हम लोग, ये सोयाबीन। चलो अब हम कटाई कर लेते हैं हम भी। चप्पल नहीं से जूता तो पापा वो। अभी हम बैठे हैं नदी के पास और अभी हम कपड़ा धुलेंगे। कपड़ा हम लोग घर से लाए थे यहाँ पे नहाने के लिए, और धोने के लिए भी ये नदी है। और मम्मी पापा हम कटाई कर रहे हैं, तब तक हम लोग धुल लेते हैं कपड़े और इसके बाद मैं नहाऊंगी, इसके बाद खाना खाऊंगी खेत में ही। आप लोग पता है कि खेत में खाना खाओ तो इतना स्वादिष्ट लगता है खाना। तो ये जो है मेरा कालू भाई, ये कपड़ा धुलेगा अभी, और बहुत जांगर चोर है ये, कहना जांगर चोर नहीं है, काम करता है।
ले निर्मया कर। देख रही है सही जाए इतनी है। तो चलो हम कपड़े भी लेते हैं इसके बाद। पूरा पानी ला मत ला दे रही यहाँ ला यहाँ यहाँ पे सेट करो भाई। तो अब हम खेत से घर जा रहे हैं क्योंकि बहुत टाइम हो गया है और मम्मी आएगी बाद में और पापा को जाना है गोरखपुर और फिर कपड़े वगैरह सब लाए थे धोने के लिए वो सूख चुके हैं तो अब उनको सब ले जा रहे हैं। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं तक। वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताना कमेंट में और आज के बाद मेरा कंटिन्यू वीडियो डलेगा तो फिर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अपना कैंड भेज कर नहीं देखो बना चुका है वीडियो। तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक रहेगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके बाय बाय जय जोहार।